चुपके से आ भी जाओ, एक दिन मेरी बाहों में तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में कोई नशा। तो गाइस जैसे कि आपने स्टार्टिंग वीडियो को देखा, कुछ इस तरह का वीडियो मेरे भाई लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और जिन भाई लोगों को न्यू वर्जन वाला काइन भाषा चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो बीच वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इस पे क्लिक कर लेना होगा ताकि आपको एक यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला इंटरफेस मिल सके। अब यहाँ पे अपनी फोटो को फुल स्क्रीन में करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे, और यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना होगा। फिर से आपको यहाँ पे नीचे एडिटिंग मिलेगा, तो आपको एडिटिंग पे करने के बाद फोटो की यहाँ पे फुल स्क्रीन होने के लिए आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे फोटो की लंबाई को आपको कितना रखना होगा, तो मैंने यहाँ पे 100 के हिसाब से ऑटोमेटिकली मैच कर दिया है, तो आपको यहाँ पे रखना होगा 1.5 पे। तो कुछ इस तरीके से आपको 1.5 पे आपको यहाँ पे फोटो की लंबाई को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया। और अभी तक जिन भाई लोगों ने वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट। और सबसे पहले आपको यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और जिस फोल्डर में आपकी फोटो होगी वहाँ से फोटोज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से देख पा रही हूँ यहाँ पे मैं फोटोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई लोगों कुछ इस तरीके से फोटोज को सेलेक्ट करने के बाद में आपको आ जाना होगा स्टार्टिंग पोजीशन पे और दोनों उंगलियों की सहायता से देखो यहाँ पे फोटो को मतलब यहाँ पे जूम करना होगा ताकि आपकी फोटो की लंबाई यहाँ पे थोड़ी बड़ी हो जाए और आपको यहाँ पे अच्छी से एडिटिंग करने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाली फोटो पर क्लिक करना होगा। देखो मैंने फोटो पर क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन मिल चुका है क्लिप ग्राफिक का, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे इन एनिमेशन वाली क्लिप ग्राफिक को आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड कैसे करना होगा, सबसे पहले आपको डेटा ऑन करना होगा और गेट मोर के ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पे इस देखो यहाँ पे साइड में ऑप्शन मिलेगा आपको इन एनिमेशन, तो आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से फोटो पे क्लिक करना होगा। देखो क्लिप ग्राफिक के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे इन एनिमेशन वाला यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इसमें मिलेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक्स, देखो पर यहाँ पे 49 आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 11 को सेलेक्ट कर लेना होगा। 11 को सेलेक्ट कर लिया, फिर से आपको यहाँ पे बैक आ जाना होगा। सेकंड वाली फोटो पे क्लिक करना होगा, ग्राफिक के ऑप्शन पे आपको जाना होगा, इन एनिमेशन वाली ग्राफिक को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे 11 के बाद में आपको डायरेक्ट दे दूंगा 22 वाली को, तो यहाँ पे मैंने 22 को सेलेक्ट कर लिया है। फिर से आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक ग्राफिक के ऑप्शन पे जाने के बाद इन एनिमेशन में जाना होगा, यहाँ पे फिर से 11 को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले आपको 11 को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाली फोटो को 22 को, फिर से 11, फिर से 22, तो यहाँ पे मैं 22 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जल्दी से मैं इसको मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन को दे देता हूँ ताकि आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो मेरे भाई यहाँ पे मेरी सभी फोटोज़ में ट्रांजिशन को दे दिया, कुछ इस तरीके से आपको ट्रांजिशन को देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको अभी एंड में दिखाऊंगी किस तरीके से आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन को देने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना होगा, मीडिया के ऑप्शन पर आपको जाना होगा। सबसे पहले मीडिया पर मैंने क्लिक किया और एक अर्थ वाली वीडियो को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख पा रही हो। इसको आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा, तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद देखो यहाँ पे आ चुका है और इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या होगा, अर्थ वाली लेयर से आपको यहाँ पे आपकी फोटो पे एक ट्रांजिशन को देना होगा, तो यहाँ पे प्लस कैन पे आपको क्लिक करना होगा, बस यहाँ पे करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको गेट मोर के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एक ट्रांजिशन को डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रांजिशन इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। देख पा रही हूँ यहाँ पे अर्बन रेड के नाम से मिल जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे इस थर्ड वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करने के बाद अभी यहाँ पे आपको करना क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना होगा और इसमें एक साउंड को ऐड करना होगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेयर के ऑप्शन पे आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे क्लिक करना होगा और ऊपर मीडिया के ऑप्शन पे आपको जाना होगा, तो मीडिया पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख पर इस वीडियो में यहाँ पे ऑडियो है, तो आपको इसको ऑडियो में कन्वर्ट कैसे करना होगा, यहाँ पे नीचे नीचे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो आपको एक्स्ट्रा ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर यहाँ पे आपको नहीं मिले तो आपको करना क्या होगा, इस वीडियो पे क्लिक करना होगा जिसका आप ऑडियो में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पे सीजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पर मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप इसको ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस वीडियो का हमारा कुछ भी काम नहीं है तो सिंपल इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो वीडियो हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब आपको इसमें एक टेम्पलेट को ऐड करना होगा कलरफुल को, तो लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा और मैं उनको जल्दी से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख पा रही हूँ इसको मैं ऐड करना चाहूँगा, तो यहाँ पे करने के बाद इसको फुल स्क्रीन आपको यहाँ पे कर देना होगा। फुल स्क्रीन किया मैंने, इस पर फिर से क्लिक किया और यहाँ पे नीचे नीचे देख पा रही हूँ यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर स्क्रीन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे आपको इतना काम करने के बाद इसमें एक और कलरफुल टेम्पलेट को एडिट करना होगा। तो लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा और आपको डाउनलोड फोल्डर से उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइज आपको सभी की लिंक आल मेटेरियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन सभी को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको आपको फिर से यहाँ पे पूरी स्क्रीन करने के बाद फिर से इसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको स्क्रीन कर देना होगा। अब यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका, मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। चुपके से आ भी जाओ, एक दिन मेरी बाहों में तेरे ही सपने अंधेरों। तो भाई लोग आपने वीडियो को देख लिया, बस यार इस वीडियो को मैं इतना ही प्ले करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे कॉपीराइट आ सकता है जो साउंड यहाँ पे चल रहा है। तो आपको यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, सिंपल तरीके से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है।